नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco M4 Pro 5G वर्सेस Infinix Note 12 Pro 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M4 Pro 5G में 6.44 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो M4 Pro 5G में 2.98 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो M4 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 Pro 5G में 195 ग्राम जबकि Note 12 Pro 4G में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M4 Pro 5G में IPS LCD जबकि Note 12 Pro 4G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M4 Pro 5G में 84.81% जबकि Note 12 Pro 4G में 85.62 मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 Pro 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 12 Pro 4G में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M4 Pro 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 Pro 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो M4 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 12 Pro 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीक के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 और Note 12 Pro 4G में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Note 12 Pro 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 12 Pro 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो M4 Pro 5G में अप टू 1TB जबकि Note 12 Pro 4G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M4 Pro 5G में Android V11 जबकि Note 12 Pro 4G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीज़
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Note 12 Pro 4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको M4 Pro 5G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 12 Pro 4G की तो उसमें 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Note 12 Pro 4G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G22 4G है, दूसरा पोको M4 Pro है, तीसरा नोकिया G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें IQ Z65 G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।